पसीने छूट रहे, बहुत अच्छा प्रोमो लगा। और साहिल, इमरान, मनीष जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और एक फैमिली, एक यंगस्टर अभी की जनरेशन के लिए और एक फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अलग है। जब लॉकडाउन हुआ था तो सबके कैसे तोते उड़े थे, तो वैसे एक शादी होती है और शादी में सडनली लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे बारातियों का, दूल्हा का, दुल्हन का, उनकी फैमिली से तोते उड़ जाते हैं और एक कैसे फंस के एक हाउस में रह जाते हैं, तो उसकी ये स्टोरी है। बहुत अच्छा आपने डायरेक्शन किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लोग इसको एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके भी तोते उड़ जाएंगे। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन में ऐसा भी हो सकता है। वैसे सबके साथ तो लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है, लॉकडाउन पे जितनी वेब सीरीज फिल्में बने उतनी कम है, बट ये एल लग गए, मतलब उसको आप लॉकडाउन में एल लग गए, तो दोनों ही मीनिंग्स है, यू नो। बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छा काम किया। वेब सीरीज एल लग गए बनाई हैं पूरी, जैसे एक राइस प्लेट होता है उसमें आपके पास चिकन भी रहता है, मसालेदार सब्जी रहती है, दाल थोड़ी फिक्की रहती है, चावल रहता है, रोटी रहती है, तो तभी एक अच्छा राइस प्लेट बनता है। तो इसीलिए फिल्म तब बनती है जब एक दूल्हा और दुल्हन की लव स्टोरी के साथ एक यू नो एक कैरेक्टर ऐसे आते हैं तो उसमें थोड़ा रोमांस नहीं हुआ तो पब्लिक फिर बोलेगा अरे यार इसमें तो कोई रोमांस ही नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। तो देखिए, एक पूरी फिल्म बनाने के लिए आपको सब कुछ होना चाहिए। किसिंग विसिंग क्या है, अभी से थोड़ी शुरू हुआ है, जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से किसिंग शुरू हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान हाशमी जी, और इसमें इन्होंने भी, उनका नाम भी इमरान ही है जो इन्होंने, इनका तो लग रहा है इमरान जी का तो अभी तक लॉकडाउन खुला ही नहीं है, लॉक लगा क्या है। बहुत अच्छा लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, साहिल ने, सबने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है डायरेक्टर साहब ने। मैं तो कहती हूँ कि मैंने तो डाउनलोड कर लिया है सिने प्राइम, आप लोग कब कर रहे हैं? मैं 9 दिसंबर को मैं तो देखने वाली हूँ। तो देश की जनता को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सिने प्राइम को आप लोग डाउनलोड करें और मेरे साथ बैठकर एल लग गए जो लॉकडाउन में फिल्म बनी है। तो लॉकडाउन में एक फैमिली के साथ क्या होता है, क्या ट्रेजेडी होती है, क्या लव रोमांस होता है, उस पर ये फिल्म बनी है। मैं तो देखने वाली हूँ। अगर आपको रियली मज़े लेने हैं ज़िंदगी के और अच्छी एक साफ सुथरी फिल्म रोमांटिक देखनी है तो आप मेरे साथ ये सिने प्राइम पर ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। काश मैं आपको दिखा सकती मेरी एक टांग, ये देखिए मैं तो एक टांग पर खड़ी आदिल जी के साथ रोमांस करने के लिए ऑन स्क्रीन, गाने, डायलॉग्स बोलने के लिए। आई एम सो हैप्पी के थैंक्स टू मनीष जी एंड सिने प्राइम के मैं और आदिल एक साथ में अच्छी वेब सीरीज के साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम आपको नहीं ज़्यादा बता सकते उस पर भी, स्टोरी एंड डायरेक्शन एंड हर टाइटल पे वर्क हो रहा है। बहुत ही अच्छा हम काम करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। सर यहाँ पे और सबसे पूछो, करो खुशी के मौके पे, क्या है ये, ना ना इनको मुबारकबाद दो कि इनकी वेब सीरीज चले, आप समझ रहे हो? लेकिन 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 बेचारे ने बहुत पपड़ वेले हैं लॉकडाउन में शादी के चक्कर में, लेकिन इमरान ने बहुत मजे किए हैं। इमरान इतना मजे ले रहे हैं लॉकडाउन को लेके, वो चाहते हैं कि लॉकडाउन रहे एक दो साल और दो साल। देखिए हम किसी के बारे में अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, सारे कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में काम चल रहा है, नो कमेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट उसके भी जल्दी एल लग जाएंगे उसके भी जल्दी एल लग जाएंगे, वेट कीजिए। कौन
जाने, तुम्हारा टाइटल हिट कर दिया भाई। अभी किनसे पूछेंगे जी? कंटेस्टेंट हमेशा हमने ओपनिंग ही की है डे वन से, बिग बॉस वन से लेके 16 तक, यू नो, एंड गॉड ने चाहा तो आपकी राखी जरूर दिखेगी, अगर गॉड ने चाहा तो। और बिग बॉस और मेरे लेजेंड भाई सलमान भाई, हाँ सरप्राइज मत बोलो, भूमि है मेरी, मेरा बॉलीवुड है। और जो भी बॉलीवुड में लोग उनको कमज़ोर समझते हैं या उनके पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई भी हो, चाहे चाहे मैं उन्हें जानते ही नहीं हूँ, कोई भी हो, अगर मुझे लगता है कि वो बेकसूर है तो उनके लिए मैं बाहर आके लड़ती ही हूँ। लोग कहते हैं हाई सोसाइटी करके खामोश बैठते हैं, उनको लगता है यार हमारा केस थोड़ी है, हमें क्या लेना देना, कोई मरे जिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। तभी पूरा बॉलीवुड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उनके लिए लड़ती हूँ। यार सारे सवाल मुझे पूछोगे क्या? मेरी एल लग जाते हैं? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी के, देखिए मुझे बहुत गर्व होता है कि कोई बेकसूर है, उनका उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, या मैं बॉलीवुड की एडवोकेट हूँ ये मान लीजिए, और मैं उनका केस लड़ती हूँ, और मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है, जहाँ तक कि मैं गलत नहीं हूँ। कुछ देखिए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उनको ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, हम क्यों किसी के लिए लड़े, हमें क्या ज़रूरत है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन मेरा जो ज़मीर है ना, वो मुझे ऐसा कहता है अगर किसी का कसूर नहीं है, अगर आप उसके लिए बोलते हैं तो इसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू, सी यू गाइस। आदिल, आदिल को पकड़ो। हाँ, अबाउट फिल्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अंदर जाके पता चला एल का मीन लॉकडाउन है, मुझे नहीं पता था, बट इट्स वेरी वेरी नाइस, आई कंग्रेचुलेट टू मनीष जी एंड ऑल द आर्टिस्ट। मैं कुछ और समझ गया था, मुझे मालूम नहीं ना जो तुम मुझे बोलती हो। ये मैं भी पहले वही समझी थी, बाद में पता चला लॉकडाउन, उसमें क्या डबल मीनिंग तो चलता ही है। मैं चाहता हूँ जनता से प्लीज ये सीरीज को सपोर्ट करे, बहुत मेहनत लगती है एक सीरीज बनाने में, बहुत महीने लगते हैं, बहुत बहुत काम, बहुत मेहनत का काम है, प्लीज उनको सपोर्ट करो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जनता, जनता ही माय बाप है, जनता ही सब कुछ है, जनता एक छोटी सी वेब सीरीज और फिल्म को करोड़ों कमा, मतलब कमवा के देती है, और मतलब अच्छा इसको सुपरहिट कर देती है। जनता को सिर्फ कॉन्सेप्ट पसंद आना चाहिए, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी वेब सीरीज भी कभी कभी नहीं चलती है, बट दिस इज अमेजिंग, एल लग गए, थैंक यू। उनसे पूछना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। अरे मुझे मत फंसाओ, किसको हुआ? छह महीने में हो, नौ महीने में हो, सात महीने में हो, मौसी तो बन गई ना मैं, उतना काफ़ी है। और इतना किसी के जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी में क्यों घुसने का? मत घुसो, आपको बड़ा घुसने का शौक है, उनकी सबकी मर्जी अपनी होती है, शादी हो गई ना बस, और क्या, बच्चा हो गया ना, मौसी बन गई बस, खत्म, और क्या। हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया काम करने में, और एक बहुत प्यारी चीज़ हमने बनाई है, और हम
हमें बहुत पसंद आई और हम ये आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस, पूरे भारत की ऑडियंस और पूरे दुनिया में बसे हुए जो इंडियंस हैं, अदर लैंग्वेज वाले हैं, सबको पसंद आएगी ये मूवी, ये वेब सीरीज़। नाम को हम क्लियर करना चाहते हैं, इसका पूरा नाम है लॉकडाउन लग गए, इन शॉर्ट हम लोग इसको एल लग गए बोलते हैं, आप इसको अन्यथा ना ले। और दूसरी चीज़, व्हाट वाज़ द क्वेश्चन आगे? सिंपल लड़का है जो अपनी किसी से प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, शादी के लिए भी फैमिलीज मान जाती हैं, और कैसे क्या सिचुएशन होती है कि जब वो बारात लेकर जाता है तो क्या होता है उनकी फैमिलीज के बीच में, आप एक जगह में दोनों फैमिलीज बंद जाती हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसा है। बाकी मेरे कैरेक्टर बहुत ही स्वीट सिंपल है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम नॉर्मल सब हम होते हैं, एक छोटे शहर का लड़का है, छोटे शहर की फैमिली है और उनके बीच में कैमराडरी है। सर वैसे ही अनुभव रहा जैसे सबका था, बहुत ही मुश्किल हुई, दिक्कत पड़ी सारी, बट हाँ पहले लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन में सब पता चल गया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हाँ दिक्कतें आई, बट देन बहुत सी सुविधाएं थी जो गवर्नमेंट ने दी हमें, उसकी वजह से सब ठीक भी था, ठीक चल पड़ा। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। इससे पूछिए डायरेक्टर। इस नाम को थोड़ा कैची बनाने के लिए, और पहले ही हम बता चुके आप अन्यथा ना ले, इसका नाम लॉकडाउन लग गया ही है। जी देखिए, ये व्यूअर्थी जरूर है लेकिन इसमें ऐसा कुछ वल्गर नहीं है, और आप देखेंगे फिल्म में तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्लियर लॉकडाउन ताला लगा दिया था, समझ रहे लॉकडाउन का मतलब क्या है, सिम्बॉलिक है पूरा वो। सर स्टोरी, एक लड़का है जिसको शादी करना है, उस परिवार को बड़ी उम्मीदें हैं कि उसकी शादी होगी तो उनके वंश का, परिवार का नाम आगे बढ़ेगा, और बड़ी उम्मीदों से बारात जाती है, शादी की तैयारियां होती है, और जैसे ही ये लोग खड़े पड़ने वाले होते हैं तो मालूम पड़ता है कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया है, उस डर से पंडित जी भाग जाते हैं। जी तो पूरी कहानी उसी के आधारित है, और कैसे परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सारी चीज़ें उसमें बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत से डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है, बट सर इस सर की स्पेशलिटी बोलूँगा कि बहुत फास्ट काम करते हैं, जो जितने सीन्स दिन के लगाए जाते हैं वो पूरे ख़त्म होते हैं, मेरे को लगता है और भी ज़्यादा लगाए थे, सो वन ऑफ द फास्टेस्ट शॉटिंग, मतलब जिन्होंने शूट करा है डायरेक्टर, ही इज़ वन ऑफ द विच आई वर्क विद, और बहुत अच्छा शूट करा है, ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में कुछ मतलब इधर उधर हो गया, बहुत अच्छा शूट करा है जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपने देखा है अभी ट्रेलर में, सो या बहुत मज़ा आया। मेरा किरदार तो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग है, मेरे दोस्त की शादी हो रही होती है और मैं अपने मगन, अपनी जगह पे मगन रहता हूँ। बाकी आपने देखा होगा किस सीन में आप लाइक किस सीन के बाद क्या सीन है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये वल्गर है, इसमें किस की गई है या ऐसा कुछ है, आप लाइक ज़रूर देखिएगा एक बार, वो सस्पेंस वो बता नहीं सकते, अगर वो बता दिया तो फिर मज़ा नहीं एल लग जाएंगे। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने कुछ सीरियल्स किए एज एन कैरेक्टर, और कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मुझे मुंबई में। मेरी आयशा कपूर एंड वेदिका भंडारी, साहिल आनंद। उम्मीदें तो बहुत हैं, एक मौका मिला है मुझे परफॉर्म करने का, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा। गाड़ी बंगला मत। यस, लॉकडाउन के समय में दिमाग फ्री था, ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे थे, और एक अच्छा आइडिया आया जिसको हमने एक वेब सीरीज़ के रूप में आपके सामने लेके आया। अब
अभी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि एक सरप्राइज हमने दिया है, राखी जी के साथ आ रहा है, राखी जी और आदिल जी के साथ में आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग है विथ मैनी नोन पीपल ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड नोन डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। थैंक यू रितिका जी। वैदिका एमएक्स प्लेयर आफ्टर होलन के लिए शादी पूरी। काफी एक्साइटेड हूँ, बहुत मजेदार लग रहा है। मैंने भी आज ट्रेलर पहली बार देखा, गाने पहली बार देखे, सो आई एम एक्साइटेड। बहुत मजा आया। आई थिंक हम लोग सेट पे भी काफी मस्ती करते थे, हम रील्स बनाते थे, इमरान हमें सिखाता था, तो मजे भी किए। हमें रील्स बनाना इमरान ने सिखाया, हर शॉट कैसे लेना है। थैंक यू, वो इसका एक्सपर्टीज है। हाँ, और मेरा डेली का काम है। किस किस के लगे? सिर्फ उत्कर्ष के लगे, हमारे नहीं लगे। उत्कर्ष ही नुकसान में, बाकी सब फायदे में। हम फायदे में, मैं ही नहीं मिल पाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सुनना चाहेंगे? उर्मिला जी, उर्मिला जी ने मदर का रोल किया है वेदिका का। प्रेशर होता है तो लॉकडाउन में बारात रुक गई है घर पे, कब जाएगी पता नहीं है, तब सोच सकते माँ की क्या हालत हुई होगी। तो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा देख के, सब देख। ये हीरो की मदर संजन जी। हेलो जी, सबने तो सब कुछ कह दिया, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा वेब सीरीज है और बहुत ही साफ सुथरा, ऐसा नहीं है कि जो सीन्स देख के डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये कर लें कि पता नहीं क्या इसमें आगे होगा, लेकिन जो भी आप देखेंगे बाद में खुद ही डिसाइड करेंगे कि बहुत अच्छा और फैमिली के साथ देखने वाला ये। और ये हमारे राजेंद्र राठौड़ सर बहुत कंफर्ट करा के, मैंने मतलब सभी एक्टर को कंफर्ट करा के इन्होंने काम दिया है। चाहे लेट नाइट हो जाए लेकिन किसी एक्टर को चू नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे राजेंद्र सर साथ में थे। सो बहुत अच्छा लगा सर हम लोगों को साथ में काम करके, स्पेशली मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम भानुशाली जी की चाची का रोल कर रही है। गाइस, मैंने इसमें चाची का रोल प्ले किया है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, तो लोग सब सब्जी बनाते हो घर पे, ठीक है, लेकिन उसमें तड़का नहीं लगाते तो मज़ा नहीं आता ना। तो इस सीरीज में मैं तड़का हूँ, तो प्लीज़ ये सीरीज हमारी देखिएगा। सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।